गीता मंदिर से निकले थे 2 बजे, अब हम आर्ट ऑफ लिविंग पहुंच पाएंगे 3 बजे। वहां से 40 किलोमीटर था तो 1 घंटा करीब लग जाएगा। अभी हम लोगों ने लंच नहीं किया है तो पहले लंच करेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग के पास MTR डोसा है, पहले वहां पे डोसा खाएंगे और जो कुछ अच्छा लगेगा वो खाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग जाएंगे। आप साथ में बने रहिए, हम घूमेंगे या साथ में आपको भी घुमाएंगे। हम लोग MTR पहुंच चुके हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। गो पिज़्ज़ा भी है, कॉफ़ी थर्ड वेव कॉफ़ी भी है और भी काफ़ी कुछ है, आप कहीं भी खा सकते हैं। हम यहाँ पर खाकर बताएंगे आपको कैसा बना। ये यहाँ का डोसा है, MTR डोसा। यहाँ पहले इसमें घी डाला जाता है, ऊपर मैंने घी डाल चुकी हूँ मैं। उसके बाद ये सांभर है, ये चटनी है। डोसा कैसा है? बहुत अच्छा। मैं खा के बताती हूँ। ये देखिए कितना क्रिस्पी है, बहुत क्रिस्पी है ये डोसा। ये यहाँ की डिश है चंद्रहारा, ये बहुत फेमस डिश है यहाँ की। ये मैंगो बन है, थोड़ा फ्लफी होता है अंदर से, देखो जैसे अपने पुए बनते हैं ना, पुए नॉर्थ साइड में वैसे ही रहता टेस्ट। और इसे खाओ इस कोरमा के साथ में, बहुत कैसा है मीठा। ये चंद्रहारा खाके बताती हूँ कैसा। बन के जैसा फील आ रहा है पूरी में, काफ़ी अच्छा है ये भी। हम लोग पहुंच चुके हैं आर्ट ऑफ लिविंग, ये एक मेडिटेशन सेंटर है। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। हम लोग MTR में डोसा खाने खाए थे, वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही खा लिया, ओवर ईटिंग हो गई है। अब मुझसे चला भी नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है सो जाऊँ, बिस्तर मिल जाए बस। लेकिन अब चलना तो पड़ेगा, आप पहुँच ही गए अपनी मंजिल की तरफ। आप लोगों को घुमाना जो है और मुझे भी घूमना है, चलिए चलते हैं, लेट्स गो। हम लोग अब जा रहे हैं आश्रम के अंदर, अंदर मेडिटेशन सेंटर है। मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगी, बने रहिए आप हमारे साथ। ये आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर है, ये 1986 में श्री श्री रविशंकर जी ने इस्टेब्लिश किया था। यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से लोग योगा और मेडिटेशन अटेंड करने के लिए आते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये पार्किंग एरिया है यहाँ का। ये गुरुपाद का वनम है, ये एक ओपन एम्पी थिएटर है। इसको आप अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये पादुका के शेप में बना हुआ है। यहाँ पर शाम को 6 बजे सत्संग स्टार्ट होता है। श्री रविशंकर जी यहाँ पर सत्संग करवाते हैं और काफ़ी लाइटिंग होती है तो शाम को काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत संख्या में लोग आते हैं सत्संग अटेंड करने के लिए। अंदर जाने के लिए ये रोड है, यहाँ देखिए कितनी साफ सफाई है, आप देख सकते हैं रोड कितनी क्लीन है। यहाँ पर 15 पंचकर्मा ट्रीटमेंट रूम्स भी अवेलेबल है। ये यहाँ पे लोग रुकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ रूम्स बने हुए हैं। जो लोग मेडिटेशन वगैरह करते हैं वो यहाँ पे रुकते हैं। यहाँ पर श्री श्री गौशाला भी है जहाँ पर 15 तरह की देसी गाय हैं, और यहाँ पर श्री श्री गुरुकुल भी है जहाँ पर कई तरह के एक्सीलेंस कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ पर श्री श्री आयुर्वेदा हॉस्पिटल भी है जहाँ पर 100 से ज़्यादा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होते हैं। ये है विशालाक्षी मंडप,
मेन अट्रैक्शन है ये आश्रम का। ये मेडिटेशन हॉल है जो श्री श्री रविशंकर जी ने खुद डिजाइन किया था, उनकी माँ के नाम पर ये रखा गया है। आप देख सकते हैं कितना भव्य बना हुआ है। ये विशालाक्षी मंडप का अंदर का व्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ गद्दे पड़े हुए हैं, यहाँ पर लोग सत्संग करते हैं, यहाँ पर गुरुजी सत्संग करवाते हैं, शाम को होता है यहाँ पर सत्संग और काफ़ी शांति मिलती है यहाँ पर, और मेडिटेशन भी करते हैं लोग यहाँ पर, आप देख सकते हैं। आर्किटेक्चर भी अंदर का काफ़ी अच्छा है। ये विशालाक्षी मंडप के आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं फ्लावर्स लगे हुए हैं, और राइट साइड में काफ़ी ग्रीनरी भी है। ये राधा कुंज गार्डन है, यहाँ पर कई तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं और काफ़ी हरा भरा है और क्लीन भी है, आप देख सकते हैं कई तरह के पेड़ पौधे लगे हुए हैं। यहाँ पर शाम को फाउंटेन चलता है, लाइटिंग होती है, और विशालाक्षी मंडप में भी शाम को लाइटिंग होती है तो बहुत सुंदर दिखता है ये शाम को विशालाक्षी मंडप, और फाउंटेन भी काफ़ी अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं कितनी साफ। अब हम लोग वापस घर जा रहे हैं, टाइम हुआ है 5:30 और हम लोग अब एक घंटे में पहुंच जाएंगे करीब 6:30 पर। हमारा ट्रिप काफ़ी अच्छा रहा, बहुत एंजॉय किया, होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और इसी तरह आप हमारे चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।